सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब। एक हदीस पाक में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का फरमान है, कयामत के दिन लोग देखेंगे कि बहुत बड़ा अजदहा है जिसकी आंखों से आग निकल रही है और जिसके दांत लोहे के हैं, लोहे के दांत हैं उसके, और आग उसकी आंखों से निकल रही है। वो ढूंढेगा तो देखेगा कि एक बंदा जो जकात नहीं देता था वो उससे मुखातिब होके कहेगा, तेरा दायां हाथ मेरी तरफ कर ताकि मैं तेरा हाथ खा जाऊं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि फिर वो उसका दायां हाथ चबाएगा और दायां हाथ चबा करके खा लेगा, फिर बाएं हाथ की तरफ बढ़ेगा। जब बायां हाथ चबा कर खाएगा तो फिर दायां हाथ उसका दोबारा वापस आ जाएगा, फिर बायां हाथ खा चुका रहेगा तो दायां हाथ खाएगा तो बायां वापस आ जाएगा। और जिस वक्त वो अजदहा जिसकी आंखों से आग निकल रही होगी और दांत उसके लोहे के होंगे, वो भी जहन्नम के बने हुए लोहे के, तो वो जब चबा रहा होगा तो उसकी चीख ऐसी निकलेगी कि उसकी चीख निकलने से पूरा मैदान महशर कांप जाएगा। आप सोचें वो चीख कैसी होगी कि पूरा मैदान महशर कांप जाएगा। तो पूछा जाएगा ये किसकी चीख है, तो इरशाद होगा कि ये उसकी चीख है कि जो दुनिया में ज़कात अदा नहीं करता। मैदान महशर कोई छोटा मोटा तो नहीं होगा, हमारे खेल के ग्राउंड की तरह या हिंदुस्तान के मैदानों की तरह तो नहीं होगा। मैदान महशर अव्वलीन और आखिरीन सब जमा होंगे, उसकी चीख कितनी बुलंद होगी उस दिन के पूरा मैदान महशर कांप जाएगा, कितनी दर्दनाक चीख होगी ज़कात नहीं देने वालों का। अच्छा, ये किसी मौलवी की डराने की बातें नहीं, ना किसी सियासी लीडर का कौल है, ये सादिकुल वादुल अमीन का फरमान है जिसने अपनी जिंदगी में कभी अपनी मर्जी से कलाम ही नहीं किया। जबान उनकी है, कलाम खुदावंद कुद्दूस का है। तो जो वो शख्स जिसका वो हाथ चबा करके खा रहा होगा, वो अजदहे से पूछेगा तू कौन है, तो कहेगा कि मैं तेरा माल हूं, तू मुझसे मोहब्बत करता था लेकिन मैं तुझसे मोहब्बत नहीं करता, बचा बचा के रखता था, आज माल ही की मोहब्बत में लोग ज़कात नहीं देते। कुरान मुकद्दस से खूबसूरत सा वाकया याद आता है जिसको कुरान ने खुद बयान किया है और मुफस्सरीन ने भी उसका जिक्र किया है। माल इंसान को कितना नीचे गिराता है, कितना घटिया सोच पैदा करता है इंसान, इंसान की माल। मुफस्सरीन फरमाते हैं कुरान मुकद्दस की तफसीर में कि मूसा अलैहिस्सलाम का एक कजिन था, कुछ लोगों ने उसको खालाजाद भाई करार दिया है लेकिन एक करीबी रिश्ता बताया है, उसका नाम था कारून। और कारून जो था वो बहुत बड़ा दौलतमंद आदमी था, मालदार आदमी था कारून, और वो तौरात का बहुत बड़ा कारी था। वो यानी उसकी आवाज इतनी खूबसूरत थी, इतना पढ़ा लिखा बंदा था वो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में, कि जब मूसा अलैहिस्सलाम तौरात सुनना चाहते थे किसी अच्छी आवाज वाले से तो कारून से कहते थे तू पढ़, और कारून तिलावत करता था तौरात शरीफ की और मूसा अलैहिस्सलाम उससे तौरात सुनना पसंद करते थे। यानी इससे पता चला कि रिश्ते में भी मूसा अलैहिस्सलाम का करीबी है और दीनदार भी है, भाई बेदीन से तो हजरत मूसा तौरात नहीं सुनेंगे ना, यानी कि शान का आदमी था कारून, आप पहले ये समझ लें। लेकिन अल्लाह ने उसको बहुत दौलत दी थी, माल उसके पास इतना था, दौलत उसके पास इतनी थी कि उसकी तिजोरियों की चाबियां कई जानवरों पे लाद कर लाई और ले जाई जाती थी। इससे अंदाजा होता है कि जिसके पास चाबियां इतनी होगी तो तिजोरियां कितनी होगी, और जब तिजोरियां इतनी है तो माल कितना होगा। उस दौर में बहुत माल होगा उसके पास, कुरान ने बयान किया कि वो बहुत मालदार था। अब अल्लाह का हुक्म आया मूसा अलैहिस्सलाम पर कि आप अपनी कौम से कहे कि वो ज़कात अदा करें।
जकात देना है 2.5% माल से। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि भाई अब अल्लाह का ये कानून आया है कि जो मालदार लोग हैं वो अपने माल से गरीब लोगों को 2.5% जकात निकालेंगे। तो छोटे मोटे मालदार लोग थे, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, उन्होंने तो देना ही था। सबसे बड़ा जो मालदार था वो कारून था। कारून ने कहा कि मैं कल सोच के बताता हूं। ये सोच के बताना ये शैतानी चक्कर। मुसलमान की जिम्मेदारी है, अल्लाह के और उसके रसूल का फरमान आ गया, कोई सोच नहीं, कोई फिक्र नहीं, कुछ नहीं। हुक्म आया सरे तस्दीम खम, वरना अंजाम बुरा है। तो कहा मैं सोच के बताता हूं। फिर वो गया घर, सोचने लगा इतनी दौलत उसका 2.5% कितना होगा। जैसे आज करोड़पति लोग कहते हैं ना, लाखों निकल जाएगा मेरा, लाखों। अरे करोड़ों तो दिया अल्लाह ने है ना, लाखों निकला तो तूने दिया क्या? और उस पे वादा भी है, एक देगा तो मैं कम से कम 10 दूंगा, कम से कम 70 दूंगा, 700 दूंगा, और अगर नियत में और खुलूस है तो मैं तुझे बेहिसाब बता दूंगा। मिलना है वो दुनिया में ही वापस, दुनिया में पहले मिलेगा, आखिरत में तो मिलना ही मिलना है। शैतान के मकर फरेब में मत पड़ो। कुरान में अल्लाह फरमाता है शैतान तुम्हें गुर्बत का खौफ दिलाता है। अल्लाह की राह में खर्च करते हो ना तो तुम्हें क्या रह जाएगा तेरे पास? अरे क्या रह जाएगा, क्या उसका करम होगा? तो जिसने इतना दिया है जब उसकी राह में दोगे तो वो और अता करेगा। मैंने एक बहुत बड़े बुजुर्ग को ये बात कहते हुए सुना है कि देने वाला कभी गरीब नहीं होता, बस अच्छी नीयत से वो अल्लाह की राह में देना शुरू करे, कभी गुर्बत उसके पास नहीं आएगी। फिरौन पर अल्लाह ने अजाब नाजिल नहीं किया उस वक्त तक जब तक फिरौन भूखों को खाना खिलाता रहा। सामरी जिसने बछड़ा बनाया था पीतल का बछड़ा, और जिसने शिर्क को गोया के आम करने में बनी इसराइल की मदद की थी, पूरी कौम पे अजाब आया, सामरी पर नहीं आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ये तो बड़ा मुनाफिक है, बछड़ा तो इसी ने बनाया था, ये ना बनाता तो लोग उसकी पूजा क्यों करते? अल्लाह ने फरमाया हम जानते हैं कि बड़ा मुजरिम ये है, लेकिन इसकी खसूसियत है ये गरीबों पे खर्च करता है, गरीबों पे खर्च करता है, इसलिए काफिर होने के बावजूद भी हमने इसका अजाब मुअख्खर कर दिया। अजाब तो देंगे लेकिन जल्दी नहीं देंगे, क्योंकि लोगों पर खर्चा करता है। आप सोचे अगर काफिर खर्च करे गरीबों पर तो उसका भी अजाब मुअख्खर होता रहता है, मोमिन खर्च करे तो उससे अजाब क्यों कर मिल सकता है? तो कारून ने सोचा कि मेरी इतनी दौलत चली जाएगी। उसने सोचा कि काम करते हैं, इतनी दौलत बचाने के लिए थोड़ी सी खर्चा करते हैं। और उसके दिमाग में एक शैतानी प्लान आया, तो वह एक बदकार औरत के पास गया और उस बदकार औरत को कहा कि कल जब दिन में मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के सामने खिताब फरमाएंगे, ज़कात का कानून बयान करेंगे, तो तू खड़ी होना और मूसा अलैहिस्सलाम पे माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह जिना का इल्जाम लगाना। मैं तुझे इतने रुपये दूंगा, इतने पैसे दूंगा। रुपये पैसे तो हम बताते हैं उस दौर में जो भी सिक्के रहे हैं, लेकिन तुझे ये कहा? उसने कहा क्या मैं अल्लाह के नबी पे बदकार थी लेकिन बेगैरत कारून की तरह तो न थी कि दौलत के नशे में उसने इतना बड़ा फैसला कर लिया। उसने कहा मूसा अलैहि सलाम पे मैं कहा कि मैं जितना कहता हूं कर, तुझे मुंह मांगी कीमत दूंगा। फिर दौलत के की बात आई तो वो भी जिस्म फरोशी के साथ साथ उसने जमीन भी फरोश कर दी। जब सुबह हुई मूसा अलैहिस्सलाम की महफिल फिर सजी, इससे पहले कि ज़कात का उन्वान निकलता कारून खड़ा हो गया। एक मसला पूछना है, अगर कोई जिना करे शादीशुदा उस पर क्या सजा होगी? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसको संसार किया जाए, पत्थर से मार मार कर उसको मार डाला जाए। इस्लामी हुकूमत में यही सजा है, अगर इस्लामी हुकूमत हो तो यही सजा है। उसके बड़े कवानीन है लेकिन आसानी से जिना साबित नहीं हो सकता किसी का, बड़े कवानीन है, उसका जिक्र मैं यहाँ नहीं करता और ना वक्त भी खत्म होने के करीब, असल उन्मान से मटेंगे। उसको संसार किया जाएगा पत्थर मार मार के यहाँ तक कि वो मर जाए।
का ये कानून सिर्फ आवाम के लिए या आपके लिए भी है? अल्लाह के पैगंबर ने कहा ये अल्लाह का कानून सब के लिए है। तो कहा ये क्या कहती है? आपने फरमाया कौन क्या कहती है? वो खड़ी हो रही है। कहा ये कहती है कि माज़अल्लाह इस औरत के साथ आपने जिना किया है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत की तरफ देखा, जलाले पैगंबराना की ताब नहीं ला सकी, उसका पूरा वजूद कांप गया। और कांप गया तो उसने कहा अल्लाह के नबी मैं ऐसी बात नहीं कहती, इसने मुझे मुंह मांगी कीमत देने पे, आप पे इल्जाम लगाने पे मजबूर किया, बस इसलिए कि इसकी जकात की रकम बच जाए इसने ये खेल खेला है। हजरत मूसा तो जलाली थे, जब जलाल में आते थे आपके बाल जिस्म के कपड़ों के बाहर निकल जाते थे। आपके बाल अल्लाह ने कुदरती तौर पे इतने बड़े दिए थे कि जब जलाल में आते थे तो आस्तीन और कपड़ों के बाल खड़े होकर बाहर निकल जाते थे और अमामे से शोले उठते हुए नजर आते थे, बड़े जलाली पैगंबर थे। तो हालत जलाल में तो आपने उसकी तरफ देखा तो उसने तो कहा कि आप पे इल्जाम लगाने के लिए इसने मुझे तैयार किया है। आपने आसमान की तरफ उसी हालत में आंख उठाई, कहा जो तेरे मासूम पर इस तरह का इल्जाम लगाए सिर्फ जकात बचाने के लिए, अब उसका क्या अंजाम होगा? अज़राए अदब कोई सजा तजवीज नहीं की, अल्लाह से कहा अब उसका क्या अंजाम होगा? अल्लाह ने कहा ये तेरा मुजरिम है, तू खुद सजा मुकर्रर करेगा कि अंजाम क्या होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये जमीन धसा इसको अपने अंदर, जमीन इसको अपने अंदर धसा ले। जब वो कमर तक धसा तो कितना बदमाश था, धसते धसते का मूसा मेरी दौलत पर कब्जा करने का अच्छा तरीका निकाला है कि मुझे जमीन में धसा दो और फिर मेरी दौलत पे कब्जा कर लो। अल्लाह के पैगंबर ने कहा जमीन रुक जा, और फिर हुक्म दिया कि इसकी दौलत को इसके सर पे रख दिया जाए, यानी अब अजाब और बढ़ जाए। फरिश्तों ने उसकी जितनी तिजोरियां, उसकी जितनी दौलत थी सब उसके सर पे रख दिया। अभी तो ऐसे ही धस रहा था बगैर वजन के, नबी से मुंह चलाने की सजा ये मिली कि उसकी सारी दौलत उसके सर पे रख दी गई और उसी हालत में वो धस रहा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जब अपने दौर में बयान फरमाया तो फरमाया कि अभी भी वो जमीन में धस रहा है। और बाज़ बुजुर्गों ने फरमाया कि रसूलुल्लाह ने फरमाया अभी भी धस रहा है तो अभी भी धस रहा है। ज़कात न देने का अंजाम, और ज़कात न देने की बुनियाद पे माल की मोहब्बत ने उसको पहुंचाया किस मंजिल पर? आज हमारे यहां भी यही हो रहा है, लोग ज़कात नहीं दे रहे। हदीस पाक में आया अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब लोग ज़कात को तावान समझने लगे, बादशाह क्या जो टैक्स देते हैं तो वो टैक्स देना लोगों को बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। हुकूमतों को टैक्स देना लोग खुशी से, कोई नहीं देता खुशी से उसको, तो आका अलैहि सलाम फरमाते हैं जब ज़कात को लोग तावान समझेंगे, तावान, उस वक्त मेरी उम्मत पर मुसीबतें ऐसे बरसेगी जैसे काली रात में जब बादल उमट आते हैं तो कैसे छमाछम बारिश बरसती है जोरदार, वैसे मेरी उम्मत पर मुसीबतें आएगी। यानी बारिश के कतरे नहीं मुसलसल टपकते रहते हैं एक के बाद एक के बाद एक के बाद, तो एक मुसीबत खत्म नहीं होगी तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी, तीसरी नहीं तो चौथी। देख लीजिए चार चार महीने कारोबार बंद कर सकते हैं लेकिन 2.5% ज़कात नहीं निकाल सकते। लाखों लाख रुपया लोग लेकर के भाग जाएं ज़कात नहीं निकालेंगे, खुश दिली से नहीं निकालेंगे।